It's very beautiful from inside. It's Kamal. जैक एंड रोज यही नाम थे ना, आई थिंक वो इमेजिनरी थे, वो रियल कभी थे ही नहीं। आप अगर ये जो है ना टाइटैनिक स्टूडियो है जहाँ पे पूरी इनकी मूवी बनी थी, इसी के अंदर मर्दाना कमजोरी का इलाज सुलेमान हकीम दवाखाना। अच्छा शगुफ्ता आई लव यू, ये मेरा नंबर है, समरा मेरे से रब्ता कर लेना मुझसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयान, वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर स्टोरी, अनदर डे। और आज के थोड़े मज़े के सीन्स हैं, सीन्स ये हैं कि आज आपको थोड़ा सा टाइटैनिक का दिखाऊंगा, मतलब जो एक टाइटैनिक था एक दौर में उसका बताऊंगा कि वो कहाँ से लॉन्च हुआ था, कहाँ से वो बना था, कहाँ पे फिर उसको पानी में उतारा गया, उसकी थोड़ी सी स्टोरी। क्योंकि इस वक्त मैं बेलफास्ट में हूँ जहाँ पे उसकी जो है ना बनाने का सारा काम हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग, और फिर उसको पानी में उतारा गया। और लेट मी शो यू सम व्यूज़। जो वॉक के लिए आए हुए हैं तो वहाँ पर ना, यहाँ पर एक पोर्ट है तो नॉर्मली यहाँ पर शिप्स खड़ी हैं, वहाँ पे भी एक पोर्ट है तो फैक्ट्रीज़ भी हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे पब्लिक के लिए ना वॉक करने के लिए एरिया भी है। तो हमने यहाँ से आगे जाना है जहाँ पे टाइटैनिक के नाम से बिल्डिंग भी एक बनाई गई है, उसमें म्यूज़ियम है, फिर अंदर जो है एक और बिल्डिंग है वहाँ पे उन्होंने होटल बना लिया टाइटैनिक के नाम से। तो लाइक देयर सो मच मोर, और मैं फिर आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखें कितने मज़े की है, ये देख रहे हैं आप कितना पीसफुल है, मतलब इट्स अमेजिंग। यहाँ की जो वॉक है ना इस वाली एरिया की रूट की, मतलब बहुत पीसफुल है, सुन रहे हैं? सो लाइक बिल्कुल साथ पे देखें क्या सीन्स हैं, लाइक कमाल, इट्स सो पीसफुल। और चेरी ऑन द टॉप कि आज सूरज निकला हुआ है और ऊपर से संडे है, मैं भी फ्री था तो निकल आया हूँ। और मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को ना, मैं आया हूँ यहाँ पर बट मैंने कहा चलो थोड़ा एक व्लॉग बनाऊँ और बताऊँ यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बताऊँ। अच्छा यहाँ पे ना कि पॉइंट पे सारी हिस्ट्री और सब कुछ, चाहे वो लाइट हाउस है चाहे वो टाइटैनिक की हिस्ट्री है, कदम कदम पे ना बोर्ड्स लगे हुए और वो सारा कुछ बताते हैं। और मज़े की बात यह कि यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि शगुफ्ता आई लव यू, ये मेरा नंबर है, समरा मेरे से रब्ता कर लेना मुझसे ज़्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं करता, ये बातें यहाँ पर नहीं लिखी होंगी। वो सामने आप देख रहे हैं दैट्स अ टाइटैनिक बिल्डिंग, अब हम उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा बच्चे शच्चे भी खेल रहे होते हैं, फैमिलीज आती हैं, एंड इट्स अ गुड वॉक हेयर। मतलब पाकिस्तानी हुआ क्या होता है, हमारी एक बड़ी गंदी आदत है ना, किसी भी जगह पे जाएंगे लिख देंगे अपना नंबर। और मैं अपना बता दूँ, हयान यहाँ पे आया था, गुफ्ता मेरा दिल तुम्हारे लिए है, और कुछ और नहीं ना, एटलीस्ट हकीम के लगे होंगे इश्तिहार के, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज सुलेमान हकीम दवाखाना। अब सुलेमान वेल नोन है, और एक मज़े की बात, जो सुलेमान हकीम दवाखाना है जो खुद हकीम है उसका जो पोता है कि नवासा है, ही वॉज माई क्लास फेलो एंड करेंटली ही इज़ इन दुबई ना। और हमजा मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, अगर तुम देख रहे हो तो यार माइंड अगर ना। ये जो है ना टाइटैनिक स्टूडियो है जहाँ पे पूरी इनकी मूवी बनी थी, इसी के अंदर सारा शूट हुआ था, सब कुछ इधर ही हुआ था, एंड इट्स सो ह्यूज, मतलब ये यहाँ से लेके काफ़ी आगे तक है, तो बड़ा फिट सीन है। अभी अंदर खैर शूटिंग्स ही होती हैं, दूसरे भी होते हैं, बट अंदर जाना फ़िलहाल अलाउ नहीं है। जो पब्लिक के लिए ओपन है ना दैट्स म्यूज़ियम। यार दीज आर द क्रेन्स, अगर आप इसको देख सकते हैं, अभी धूप क्योंकि इस साइड की है तो वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा, बट दे आर लाइक मैसिव, दे आर मैसिव। अभी तक जो बेलफास्ट में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब से इनकी ज़्यादा हाइट है अभी। सो आई एम नॉट वेरी श्योर विद द डेट्स, बट 1910 में 11 में सॉरी कम्प्लीट हुआ था टाइटैनिक बनना वहाँ पे, और जो 1912 में है उसको लॉन्च किया गया था पानी के अंदर, जिसमें तकरीबन 1200 पैसेंजर्स थे। तो फिर जब वो मतलब उस पर ऑन बोर्ड होके तो शिप आगे गई थी, तो वो वही वाला उसका पॉइंट है। सो ऑनवर्ड्स वो आगे जाके तो रेस्ट इज हिस्ट्री के किस तरह आइसबर्ग पे वो लगा था, टूटा था, डूब गया था, जो भी था। उसमें एक फन फैक्ट ये भी है विच इज़ के उसमें जो दो मेन करेक्टर थे जैक एंड रोज, यही नाम थे ना, आई थिंक वो इमेजिनरी थे, वो रियल कभी थे ही नहीं। आप अगर इधर लोकल से बात करो, म्यूज़ियम में जाओ, या जो लोग यहाँ के लोकल्स हैं जो पुराने यहाँ पे आ रहे हैं, सो दे नो बेटर हिस्ट्री, तो वो बताते हैं। और ये आप सर्च भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही जिसको इतना उन्होंने रोमांटिक करके दिखाया था वो एक फैंटेसी थी, वो रियल करेक्टर्स ही नहीं थे, जिनको हम देख के बड़ा एक लव का कंसेप्ट लेते हैं कि ओह माय गॉड उसने उसके लिए जान दे दी, ये कर दिया, हाय ऐसी कोई बात नहीं है।
सो स्कैम से दूर रहें। म्यूज़ियम मुझे ना थोड़े से बोरिंग से लगते हैं एंड आई थिंक दे आर लाइक टाइम वेस्ट होता है। आप जो चीज़ एक हिस्ट्री की वैसे ही पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपके पास अब प्लेटफॉर्म है तो अंदर क्या ही जाना। ये जी क्लोजर व्यू ऑफ टाइटैनिक बिल्डिंग बेलफास्ट। सो यार सूरज आज अल्लाह पाक ने कोई इतनी रहमत की हुई है ना, दैट्स द होल एरिया व्यू अगर आप लोग देख सकें। सो मोटी मोटी हिस्ट्री इन्होंने लिख दी है कि द प्राइड ऑफ बेलफास्ट 10,000 पीपल वॉच द लॉन्च ऑफ ऑब्वियसली टाइटैनिक एंड 885 वॉज द क्रू नंबर। मैंने तो आपको पहले पैसेंजर और टोटल नंबर बताया था, बट 850 लगभग 900 लोग तो सिर्फ क्रू थे जो शिप को चला रहे थे या उसको कंट्रोल कर रहे थे। Here we are inside, tickets, stores भी हैं टाइटैनिक की चीज़ों को लेके, the gallery here, like there's so much here. आप टिकट्स वहाँ से परचेज कर सकते हो अगर आपने जाना है तो, but it's like it's very beautiful from inside. Love it's कमाल। बाजी ना खलोते ने टिकट देख रहे हैं ना, मैंने वे के कहती टिकट कैसे ना देखने लगी कि शायद टिकट हो मेरे पास है कुछ। मैं कहा बाजी मैं तो सिर्फ अंदर देखना आया, मैंने अंदर मस्जिद आगे नहीं जाना, मैं ज़रा मुफ्ते वाले चक्करों में आया हूँ। बट एनी हाउ जोक्स अपार्ट, मैं पहली दफ़ा आया हूँ अंदर, बट इट्स गुड। केम आउट फ्रॉम द म्यूज़ियम एंड नाउ सिटिंग फॉर अ व्हाइल ऑन अ बेंच बाहर ही, और धूप थी, बड़ा खुशी थी ज़िंदगी में कि यार चलो मौसम अच्छा है, धूप है, बंदा ना सेक रहा है, बैठा हुआ सन बाथ ले रहा है। पर मैं एक चीज़ भूल गया कि यहाँ पे बादल भी आ जाते हैं, ठंड भी हो सकती है, और मैं ठहरा मरासी। मतलब अपनी तरफ से तो मैं जैकेट शैकेट माचो हीरो बन के आया ना, मैंने कहा यार कोई चक्कर ही नहीं है, ऐसे माचो बन के टी शर्ट में पोलो में फिरेंगे, थोड़ा फैशन मैशन मारेंगे। पर बंदे को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप मरासी हो या नहीं, और मैं हूँ। मैं लग गई ठंड नहीं, धूप आ रही है, आ रही है दोबारा। हेडिंग बैक टूवर्ड्स कार नाउ एंड इट वॉज इट फॉर टुडे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो, काफ़ी अर्से बाद मैं निकला हूँ और घूमा फिर रहा हूँ एंड आई होप यू लाइक द कॉन्टेंट एज वेल। अगर लगे तो टू लेट मी नो एंड शेयर करें दोस्तों के साथ, वही टिपिकल बातें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, टंग 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 जो भी है एंड ऑल दैट। सो मैं अब जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ, इट्स अ गुड वॉक एंड नाउ अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।